होप एवरी थिंग इज फाइन एट योर प्लेस यू आर सेफ एंड एंजॉइंग लॉकडाउन आप लोगों ने सुना होगा कि धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है हम धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले हैं बट कॉलेजेस विल बी ऑनलाइन 15 16 जून से कॉलेजेस आर प्लानिंग टू स्टार्ट सेम जैसे चलता था वैसे दे विल गिव यू टाइम टेबल आपके तीन चार लेक्चर्स जैसे होते थे वैसे ही हो गए बट ऑनलाइन आई एम योर मैं बोला आपको सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया दे दू ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा टाइम टेबल आएगा देर आर ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विल नॉट बी क्लियर अबाउट इट सो आई एम योर टू मेक यू क्लियर विद द सब्जेक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेमिस्टर थ्री एंड सेमिस्टर फोर सेमिस्टर थ्री एंड सेमिस्टर फोर स्क्रीन पे देखो सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपके पास तीन सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन रहेंगे दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट उसमें से तीन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है फोर्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिफ्थ आपका फाउंडेशन कोर्स एफ सी सिक्स इज फाइनेंशियल मार्केट

ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन कोर्स फाइनेंशियल मार्केट टैक्सेशन जिसमें से बेटा ये सब्जेक्ट्स थियोरी है पूरे एंड उसका छोटा छोटा पोर्शन है कॉलेज नोट्स देगा वो नोट्स आपको मैनेज करना है सेमिस्टर फोर में भी सेम रहेगा आपके पास फर्स्ट थ्री सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट में से अगेन फोर्थ इज आई टी फिफ्थ इज एफ सी लॉ है और सेवेंथ इज इकोनॉमिक्स अगेन ये पूरा थियोरी है ये दो अगेन इट इज मैनेजेबल है बेटा इट इज मैनेजेबल ये आई टी एफ सी इज मैनेजेबल कॉलेज का नोट्स फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत छोटा है कॉलेज का नोट मैनेजेबल है हाँ दिस लॉ इन इकोनॉमिक्स इज नॉट मैनेजेबल सो ये देखो ये आपके सब्जेक्ट है बेटा सेवन सेवन जिसमें से फर्स्ट जिस थ्री हम डिस्कस करेंगे फोर्थ आईटी फिफ्थ एफसी फाइनेंशियल मार्केट लॉ टैक्सेशन इकोनॉमिक्स अब ये जो तीन है ना स्टार्टिंग के तीन उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ये जो स्टार्टिंग के तीन है सेमेस्टर थ्री एंड फोर अब ये ऑप्शन कुछ ऐसे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंट Organizational behavior, risk management, and fifth is mutual fund management. ये कोई कॉलेज ऑप्शन में नहीं देती है ये चार में से आपको तीन select करना है जिसमें बेटा ये पूरा थ्योरी है पूरा थ्योरी है ये थियोरी एंड प्रैक्टिकल है और ये दोनों पूरे प्रैक्टिकल है सो so आपका चॉइस है यू कैन सिलेक्ट एनी थ्री फ्रॉम दिस फोर सब्जेक्ट एनी थ्री सेम सेमेस्टर फोर के बारे में अगर बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन सेम फिर डिफरेंट चैप्टर्स मैनेजमेंट अकाउंट के बदले अभी कॉस्ट अकाउंट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बदले एंटरप्रीनियरशिप मैनेजमेंट अगेन ये एक पूरा थियोरी है वेल्थ मैनेजमेंट दिस थियोरी प्लस प्रैक्टिकल थोड़ा एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगेन ये नहीं है कोई कॉलेजेस नहीं देता है अगेन ये चार में से आपको तीन सिलेक्ट करना है देखो ये पूरा प्रैक्टिकल है ये पूरा प्रैक्टिकल है सेम देखो ना दो प्रैक्टिकल दो प्रैक्टिकल थियोरी 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 प्रैक्टिकल मिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स कोई भी कोई भी तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है So, यहां से कोई भी आपको तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तीन दोनों सेमिस्टर में यहां से कोई भी तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है प्लस ये देखो ये आई टी एफ सी फाइनेंशियल मार्केट लॉ टैक्स एंड इकोनॉमिक्स सो so, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट कोई कंफ्यूजन नहीं फर्स्ट थ्री सब्जेक्ट जो है फर्स्ट थ्री थ्री ये सेमिस्टर थ्री में देखो ये चार नाम लिखा है मैंने one, two, three, four, ये चार ऑप्शन में रहेंगे रहेंगे लिस्ट इसमें से तीन सिलेक्ट करने का आपका चॉइस आप मुझे बोलोगे तो ये फर्स्ट थ्री सिलेक्ट करने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और रिस्क मैनेजमेंट आपका मर्जी आपका चॉइस और कोई कॉलेज को तो ऑप्शन भी नहीं देगा बोलेगा नहीं ये फर्स्ट थ्री है सेमेस्टर फोर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग एंटरप्रेनरशिप मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट आपका चॉइस सो ये आपके चार में से तीन चार में से तीन चार में से तीन सब्जेक्ट ये चार में से तीन सब्जेक्ट और फिर ये आपका फोर्थ आई टी फिफ्थ एफ सी फिर सिक्स फाइनेंशियल मार्केट लॉ एंड सेवन टैक्स एंड इकोनॉमिक्स नाउ टू द पॉइंट अभी मेरे पास आते हैं क्लासेस में आपके पास दो चॉइस है फर्स्ट चॉइस ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने इसे ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मीन्स ध्यान देना इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है मैंने ऐसे ओनली प्रैक्टिकल ओनली प्रैक्टिकल मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और एक और प्रैक्टिकल है ये टैक्स तो जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया है आई इसे प्रैक्टिकल रेड कलर से जो सर्कल किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका फीस विल बी फीस विल बी थर्टीन थाउजेंड बुद्ध सेमिस्टर सेकेंड ऑप्शन है ऑल सब्जेक्ट्स अभी ऑल सब्जेक्ट्स में थोड़ा क्लियर है प्लीज ऑल सब्जेक्ट्स मतलब ये रेड तो आ गए रेड वाले तो आ गए ऑल में प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ग्रीन वाला रिस्क मैनेजमेंट का खाली प्रैक्टिकल पार्ट हम कराते हैं उसका थ्योरी जो है वो कॉलेज जो नोट देगा वो बुक तो इतना बड़ा रहेगा जो कॉलेज का प्रोफेसर बोलेगा वो थ्योरी वी विल बी टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरा थ्योरी और ये प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपका पूरा थ्योरी और वेल्थ मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल व्हेन आई से ऑल सब्जेक्ट ये रेड वाले सब आ गए रेड वाले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ गया रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट आ गया एंटरप्रीनियरशिप मैनेजमेंट पूरा आ गया और वेल्थ मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट आ गया ग्रीन कलर वाला प्लस ये लॉ भी आ गया ये इकोनॉमिक्स भी आ गया लॉ एंड इकोनॉमिक्स भी आ गया सो ऑल सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट रेड plus green, red plus green, all subject. The fees is sixteen thousand. Both the semester. Now, see, we have to start online lectures because life to आगे जाने ही वाली है. आप road पे आओ या घर पे बैठो. जैसे चीजें रुक गई थी ये जो lockdown में वो चीजें अभी सुलझ गई है आई एम नॉट से कोविड नाइनटीन नहीं है इट इज देयर बट वी हैव टू लीव विद कोविड नाइनटीन एंड धीरे धीरे दूसरा किसी किसी के मन में रहेगा सर ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे फ्रेंड्स ने देखा है या किसी के भाई बहन ने देखा है सर कुछ समझ में नहीं आता इट इज नॉट क्लियर ये हमारे साथ नहीं होगा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है यू कैन सी द स्क्रीन देखो स्क्रीन इज वेरी क्लियर आई एम ऑल्सो क्लियर माई वॉइस इज वेरी क्लियर वेन इट कम्स टू अर्स यू डोंट हैरी एट ऑल आपको सब कुछ दिखेगा प्रॉपर दिखेगा आपको नोट्स भी प्रॉपर ऑनलाइन मिलेंगे हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखेगा सॉल्यूशन भी दिखेगा मैं भी दिखूंगा मेरा आवाज भी सुनाई देगा लेक्चर भी समझ में आएगा जैसे क्लास में क्लास में लेक्चर्स होता था वैसे ही लेक्चर्स होंगे नॉट टू वरी एट ऑल इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी सिंसियर यू हैोटबुक विद योर कैलकुलेटर बी ऑन टाइम वो लेट होने का तो नाटक ही नहीं अभी घर पे बैठे बैठे खाली चेंज करके आपको आना है सो मेक श्योर यू टेक इट सीरियसली बिकॉज ये मुझे लगता है ऐसे सितंबर तक अगस्त तक ऐसे ही चलने वाला है why टू वेस्ट जून जुलाई ऑगस्ट क्यों वेस्ट करने का सेप्टेम्बर में कॉलेज स्टार्ट होगा जब जब नॉर्मल हो जाएगा ऑनलाइन लेक्चर्स तो होना ही है आपका सेमिस्टर स्टार्ट होना ही है एग्जाम अक्टूबर के बदले नवंबर में होगा पर जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो हमारे पास एक डेढ़ महीना ही होगा एक डेढ़ महीने में, में क्या कंप्लीट करेंगे तो हैव टू डू इट ऑनलाइन मेड माई सेल्फ क्लियर आई मेड क्लियर। जब आपका कॉलेज से आपको फोन आएगा नोटिस आएगा जब आपको सब्जेक्ट्स के फॉर्म भरने होंगे तो आई मेड इट वेरी क्लियर ये आपके सब्जेक्ट है आपको क्या सिलेक्ट करना है मेरे साइड से भी क्लियर हूँ कि मैं क्या कराने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट वी विल नॉट बी टीचिंग आपको ऑप्शन भी बता दिए आपके पास दो ऑप्शन है यू हैव ऑप्शन रेड कलर एंड रेड एंड ग्रीन बोथ वी विल बी स्टार्टिंग लेक्चर फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपके ग्रुप पे टाइम टेबल आ जाएगा वीक में हम तीन दिन से स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट sure जब तक यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर इट हम आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलेंगे आपके ग्रुप पे सब मैसेज आएगा वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है एंड बी प्रीपेय फॉर द वर्क टू लीव अवर नॉर्मल लाइफ बट ऑनलाइन सो टेक केयर वेट फॉर माय नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड बी सेफ